Hello friends, welcome to my channel Wow Chemistry. In this video, you will be watching some amazing and interesting facts of science. Here I have listed 5 amazing facts. Watch this video carefully and don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon. जब आप आइस में सॉल्ट डालेंगे तो आप देखेंगे जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो डिक्रीज हो जाती है, जो कि नॉर्मली 0 डिग्री सेल्सियस होती है। इसी वजह से मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ आइस भी डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से आइस इजीली नहीं पिघलेगा, नहीं मेल्ट करेगा। नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, विच स्टेट्स दैट वेन एवर यू विल एड अ सॉल्यूट, यहाँ पे आपका सॉल्ट हो गया, टू एनी सॉल्वेंट, यहाँ पे आपका वाटर हो गया, दैट विल रिजल्ट इन टू द डिप्रेशन या रिडक्शन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, यहाँ पे वाटर हो गया। नाउ इवन इफ द आइस मेल्ट्स, इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है टू ब्रेक द बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द आइस। नाउ इस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। नाउ एंडोथर्मिक प्रोसेसेस जो होती हैं, दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद कूलिंग डाउन। नाउ दिस इज ऑल्सो द रीजन ड्यू टू विच द आइस विल मेल्ट स्लोली एंड इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर द आइस टू मेल्ट डाउन। ना इसी टेक्निक को पहले यूज़ किया करते थे जब हमारे यहाँ रेफ्रिजरेटर्स बहुत कॉमन नहीं हुआ करते थे। जब अगर हम आइसक्रीम्स को प्रिजर्व करना चाहें तो एक मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस में हम आइसक्रीम्स को कुछ टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। नो दिस इज द रीज़न वाई आइस डज नॉट मेल्ट डाउन क्विकली व्हेन यू विल यूज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस। जब आप अपनी गाड़ी या कार में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि स्टीयरिंग व्हील या डैशबोर्ड में एयरबैग लिखा रहता है, जहाँ पे आपका एयरबैग प्रिजर्व रहता है, जो आपको एक्सीडेंट से प्रोटेक्ट करता है। नाउ दीज एयरबैग्स कंटेन्स अ वेरी पॉइजनस सब्सटेंस नोन एज सोडियम अजाइड, जिसका केमिकल फार्मूला NaNA3 है। नाउ व्हेन द कार अंडरगोज अ हेड ऑन कोलिजन, या जब आपकी गाड़ी की एक्सीडेंट होती है, तो ये जो सब्सटेंस सोडियम अजाइड है, ये डिकम्पोज या फिर ब्रेक डाउन होता है इंटू सोडियम मेटल एंड नाइट्रोजन गैस। ये जो जनरेटेड नाइट्रोजन गैस है, यही आपकी एयरबैग को इन्फ्लेट करती है और आपको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द एक्सीडेंट। लेकिन इसके साथ जो एक्सप्लोजिव सोडियम मेटल प्रोड्यूस होता है, इसको हम लोग एक हार्मलेस सोडियम सिलिकेट में कन्वर्ट करने के लिए पोटेशियम नाइट्रेट और सिलिका को भी यूज़ करते हैं इन द एयरबैग। नो दिस इज द रीज़न वाई सोडियम अजाइड इज यूज, विच गेट्स डिकम्पोज इंटू नाइट्रोजन गैस विच इन्फ्लेट्स योर एयरबैग्स। जब हम मार्केट से फ्रूट्स खरीद के लाते हैं, जैसे एप्पल, बनाना या मैंगो, और वो अच्छी तरह से पका हुआ नहीं है, तो हम उसे एक पेपर बैग में स्टोर कर देते हैं ताकि वो जल्दी से पक जाए। ये जो फ्रूट्स होते हैं, ये थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम एक गैस एमिट करते हैं, जिसको हम इथिलीन गैस कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। बट एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ये जो इथिलीन गैस की एमिशन होती है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। नाउ अगर हम अपने फ्रूट्स, जो आधे कच्चे आधे पक्के फ्रूट्स हैं, उनको हम अगर एक क्लोज्ड पेपर बैग में स्टोर करते हैं, तो ये जो इथिलीन गैस की एमिशन हुई है, ये इथिलीन गैस उसी पेपर बैग में ट्रैप हो जाएगी, जो कि फ्रूट्स को फर्दर पकने में मदद करेगा। नाउ टेक दिस थिंग इन योर माइंड कि डू नॉट ट्राई टू प्रिजर्व द फ्रूट्स इन अ प्लास्टिक बैग। आपने अपने घर में देखा होगा बहुत ही डिफरेंट कलर्स के सोप्स होते हैं, जैसे रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू या वाइट। लेकिन अब हाथ धोने के लिए जब इन सोप्स को वाटर के साथ मिक्स करके अपने हाथ में रब करते हैं, तो वहाँ से जो फोम या फिर जो झाग प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ ऑलवेज ऑफ वाइट कलर इररिस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द सोप। और ये जो फोम है, इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ बबल्स। और ये जो बबल्स है, ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एयर को होल्ड करती है कंपेयर टू दैट ऑफ द सोप मटेरियल। तो जब इन बबल्स के थ्रू जो विजिबल लाइट है ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ, जो हमें दिखाई देता है, वो जब पास होती है, तो वो रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट या स्कैटर हो जाती है इन द ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ड्यू टू विच एक वाइट का इफेक्ट दिखता है। दिस इज द रीज़न वाई द फोम या जो झाग प्रोड्यूस होता है, वो वाइट कलर का हमें दिखता है। हॉट वाटर फ्रीजेस क्विकली देन कोल्ड वाटर, इस फेनोमेनन को हम पेम्बा इफेक्ट कहते हैं। जब हम हॉट वाटर को फ्रीज करने की कोशिश करेंगे, तो हॉट वाटर विल अंडरगो एवापोरेशन, मतलब भाप के रूप में या वाटर वेपर के रूप में
वाटर एस्केप करने की कोशिश करेगा। नाउ इस प्रोसेस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इस प्रोसेस को हम एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि एंडोथर्मिक प्रोसेसेस आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद कूलिंग डाउन, इसलिए हमारा जो हॉट वाटर होगा दैट विल गेट इजिली फ्रीज डाउन कंपेयर टू द कोल्ड वाटर या नॉर्मल टैप वाटर। और एक रीजन हम कह सकते हैं कि जब हॉट वाटर में एवोपोरेशन होती है, वाटर जब एवोपोरेट होता है तो जो टोटल कंटेंट ऑफ द वाटर है वो घट जाता है, देर इज अ लॉस इन द टोटल कंटेंट ऑफ द वाटर। नाउ ये जो लॉस है ये कोल्ड वाटर में लॉस नहीं हो रहा है, मास का कोई लॉस नहीं हो रहा है, इसीलिए हॉट वाटर को हम इजिली फ्रीज कर सकते हैं कंपेयर टू द कोल्ड वाटर। नाउ दिस इज द टेक्निक दैट इज यूज टू फ्रीज द आइसक्रीम। नाउ हॉट आइसक्रीम मिक्सचर अगर हम यूज करेंगे तो वो इजिली फ्रीज डाउन हो जाएगा कंपेयर टू द कोल्ड आइसक्रीम मिक्सचर। इसको आप अपने घर पे भी ट्राई कर सकते हो। Thank you for watching the video. Hope you liked it. If you liked the video, please do like and share. For more such interesting videos, subscribe to the channel Wow Chemistry and don't forget to click the bell icon.